Assalamu Alaikum. Today I'm going to share with you at least 50 MCQs about Latin Stretchy's life and uh, his biographies. First one is what is the full name of Latin Stratchi? Latin Stratchi Kapura Namgyata. His full name was Giles Latin Stretchy. Stretchy was born in Matlabka Pedahuwata March 1st, 1880. Stretchy was born in Kahapar He was born in London. Number four, Stretchy was died in Kabmaratha, January 21st, 1932, where Stretchy was died. Kiss Sagapar Naratha. Hamsfrey uh, house near Hungerford. Stretchy was an English. डैश और स्ट्रैची वॉज एन इंग्लिश बायोग्राफर एंड क्रिटिक बायोग्राफर और क्रिएटिक था स्ट्रैची ओपनड अ न्यू इरा ऑफ बायोग्राफिकल राइटिंग मतलब बायोग्राफिकल राइटिंग स्ट्रैची से पहले क्यों ही नहीं लिखता था तो स्ट्रैची ने बायोग्राफिकल राइटिंग्स लिखना स्टार्ट की थी नंबर एट है ही इगोरेटेड बायोग्राफिकल राइटिंग एट द क्लोज ऑफ वर्ल्ड वार फस्ट में बायोग्राफिकल राइटिंग को स्टार्ट किया था लिखना नंबर नाइन हु सेट दिस स्टेटमेंट ब्रेविटी विच एक्सक्लूड्स एवरी थिंग दैट इज़ रिडनडेंट एंड नथिंग दैट इज़ सिग्निफिकेंट ये स्टेटमेंट किसने कही थी लैटिन स्ट्रैची ने नंबर टेन स्ट्रैची इज़ बेस्ट नोन फॉर डैश शॉर्ट स्केचेस एमिनेंट विक्टोरियन के जो शॉर्ट स्केचेस उसने लिखे थे इसकी वजह से स्ट्रैच जो था वो फेमस था नंबर uh, 11 हिज फेमस एमिनेंट विक्टोरियन शॉर्ट स्केचिज कौन कौन से एमिनेंट विक्टोरियन शॉर्ट स्केचिज उसके फेमस हैं फर्स्ट वन है कार्डिनल मैनिंग सेकेंड वन है फ्लोरेंस नाइटिंगेल थर्ड वन है थॉमस आर्नल्ड एंड फोर्थ वन है जिन चार्ल्स नंबर 12 स्ट्रैचे बिलोंग्स टू विच ग्रुप कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है ब्लूम्सबरी ग्रुप से बिलोंग करता है स्ट्रैचे number 13 he enunciated the twofold principle of dash which was to mark all his work is two-fold principle enunciate tha selection and scrunity. Stretchy was dash he was the greatest modern biographer number 15 हु इज़ द रेवोल्यूशनर ऑफ राइटिंग बायोग्राफीज़ मतलब बायोग्राफ़ीज़ लिखना सबसे पहले स्टार्ट किसने की थी इर्द का किसने किया था बायोग्राफीज़ का लैटन स्ट्रैची ने नंबर सिक्सटीन बिफोर हीम द बायोग्राफर निगलैक्ट्स से पहले बायोग्राफर्स क्या निग्लेक्ट करते थे द डारकर साइड ऑफ देयर हीरोज़ मतलब वो अपने हीरोज़ के जो ईवल्स होते थे उनको नहीं बताते थे बायोग्राफीज़ में नंबर सेवनटीन बिफोर स्ट्रैची द बायोग्राफर वर लाइक ही जियोग्राफर की तरह होते थे नंबर एटीन बिफोर स्ट्रेची बायोग्राफर्स प्रेजेंट्स देयर हीरोज एज एंजल्स ऑफ वर्चू नंबर नाइनटीन हु वाज़ द फर्स्ट टू रियलाइज दैट टू गिव अ कंप्लीट एंड ह्यूमन पोर्ट्रेट इन बायोग्राफीज इट वाज़ लेटन स्ट्रेची। नंबर ट्वेंटी स्ट्रैची इंक्लूड्स इन इन हीज़ बायोग्राफीज़ इसने अपनी बायोग्राफीज़ में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की थी फीलिंग्स जोक्स एंड विंग्स ऑफ हिजीरोज नंबर ट्वेंटी वन स्ट्रैच बिलीव डैट आ बायोग्राफर मस्ट हैव एंड डैश इंसाइट इन टू हिज करैक्टर्स कि उसके करैक्टर्स में कौन सी इंसाइट होनी चाहिए तो उसने कहा था कि इसके करैक्टर्स में साइकोलॉजिकल इंसाइट होनी थी उसके बाद नंबर ट्वेंटी टू है स्ट्रैचे सेट डेट आ बायोग्राफर मस्ट सुप्रेस डैश एस्पेक्ट्स ऑफ हिस करेक्टर विच हेल्प अस टू रियलाइज हिज ट्रू पिक्चर एज ही लिव्ड नीदर उसने कहा कि नीदर सुप्रेस वाइटल फैक्ट्स नॉर ऑब्सक्योर जो वाइटल फैक्ट्स होते हैं ना उनको सुप्रेस करना चाहिए ना उनको ऑब्सक्योर करना चाहिए उसके बाद ट्वेंटी थ्री है इंस्टेड ऑफ गिविंग एब्सट्रैक्टनेस स्ट्रैचे इन डीड गेव आ एब्सट्रैक्ट uh, डेने के अलावा उसने एक करिएचर ऑफ फ्लिश एंड ब्लड नंबर ट्वेंटी फोर द फर्स्ट टू इनिशिएटिड बायोग्राफीज़ सबसे पहले बायोग्राफीज़ किसने लिख किसने लिखना स्टार्ट की थी लेटिन स्ट्रैची ने इसके बाद ट्वेंटी फ़ाइव है एमिनेंट विक्टोरियन वाज पब्लिश्ड इन लेटिन स्ट्रैची की जो फर्स्ट बायोग्राफीज़ थी एमिनेंट विक्टोरियन वो नाइनटीन एटीन में पब्लिश हुई थी ट्वेंटी uh, सिक्स है इज़ फोर मेजर वर्क्स आर चार मेजर वर्क्स इसके कौन कौन से हैं फर्स्ट वन है एमिनेंट विक्टोरियन सेकेंड है क्वीन विक्टोरिया थर्ड Elizabeth and Isaac's fourth one have portraits and miniature uh, 27 this statement is suggested by The biographies of eminent men should not be immediately written after their death. This statement kahi thi Latin strategy uh, Number 27 this statement suggested by the biographies of eminent men should not be immediately written after their death ke, eminent men ki. जो बायोग्राफीज़ हैं जस्ट आफ्टर उनकी डेथ के बाद नहीं लिखी जानी चाहिए तो ये कहा था लैटिन स्ट्रैची ने उसके बाद ट्वेंटी एट फर्स्ट क्लास बायोग्राफीज़ कैन ओनली बी रिटर्न लॉन्ग आफ्टर द हीरोज़ डेथ, दिस वाज द ओपिनियन ऑफ लैटिन स्ट्रैची नंबर ट्वेंटी नाइन स्टैची हैड ए गिफ्ट ऑफ डैश विच हैज़ हार्डली बीन इक्वल्ड इन लिटरेचर बाई एनी वन सिंस द एटीन सेंचुरी मास्टर्स स्ट्रैचिज़ uh, के पास कौन सा गिफ्ट था गिफ्ट ऑफ़ आयर ने नंबर थर्टी स्ट्रैची हैज़ मेड बायोग्राफी बायोग्राफी को एक लिटरेरी मीडियम के तौर पर स्ट्रैची ने यूज़ किया नंबर थर्टी वन स्ट्रैचीज़ बायोग्राफिकल स्टाइल हैज़ द अपील ऑफ उसके बायोग्राफिकल स्टाइल में एक फ़ाइन वर्क ऑफ आर्ट की अपील नज़र आती है थर्टी टू स्ट्रैची थ्रू हिज़ बायोग्राफीज़ हैज ब्रोट अस फेस टू फेस विद मैन एंड वूमेन हु आर अपनी बायोग्राफीज़ के जरिए हमें उन लोगों के फेस टू फेस किया है स्ट्रैचिज़ ने उन वुमेंस और उन मैनस के जो के नॉन दिलेस वॉलेबल ह्यूमन बीइंग्स और नॉट इनफॉलेबल सेंट और गॉड नंबर थर्टी थ्री समाइम्स स्ट्रैचिज़ करेक्टर बिहेव मीनली एंड फुलिशली एंड समाइम्स वो नोबली और वाइसली बिहेव करते हैं नंबर थर्टी फोर हुज़ ऑबजेक्टिव वर टू मेक अ बायोग्राफर एंड अनमिस्टेकनेबल चैनल फॉर द ट्रुथफुल ट्रांसमिशन ऑफ पर्सनैलिटी की ट्रुथफुल ट्रांसमिशन के लिए का चैनल बनाना अनमिस्टेकनेबल चैनल बनाना ये किसका ऑब्जेक्टिव था तो ये ऑब्जेक्टिव था लेटरन स्ट्रेटी का उसके बाद थर्टी फाइव है दीज आर द दबजेक्टिव ऑफ टू मेक मोस्ट अथेंटिक फुट नोट टू हिस्ट्री टू मेक इट विविड एंड कम्प्लीट स्टोरी To make it source of inner satisfaction to the reader. <laughs> objectives Writing ke iski writing Latin strategy ke. Uske baad hai, 36 strategies, achievement in biography was indeed a challenge to dullness and incompetence. Number 37, his intensely personal sketches shocked many critics but uh, delighted many readers. This statement is about. लेटिन स्ट्रेची के बारे में ये स्टेटमेंट कही गई है उसके बाद नंबर थर्टी एट है लेटिन स्ट्रेची निग्लेक्ट्स कौन कौन सी चीज़ें इसने नगलेक्ट की हैं अपनी बायोग्राफीज में कन्वेंशनल मेथड ऑफ डिटेल्ड क्रोनोलॉजिकल नरेशन का कन्वेंशनल मेथड नहीं यूज़ किया उसने अपनी बायोग्राफी में उसके बाद थर्टी नाइन है हु सेट द स्टेटमेंट अबाउट लेटिन स्ट्रेची के बारे में ये स्टेटमेंट किसने कही है स्ट्रेची हेल्प स्वीप अवे द पोंडिरियस विक्टोरियन अप्रोच टू द राइटिंग ऑफ द बायोग्राफी

Uh, उसने अपने सब्जेक्ट uh, को बायोग्राफीज़ के अंदर आयरोनिकली जो है वो ट्रीट किया है और वो फैसिनेटेड था पर्सनैलिटी और मोटिव से नंबर फोर्टी टू हिज़ एम वाज टू डैश अ पोर्ट्रेट थ्रू दिस ही लीड टू एन आयरोनिकल कैरिकेचरिंग उसका मतलब मकसद था हिज एम वाज टू पेंट अ पोट्रे थ्रू दिस ही लीड टू एन आयरोनिकल कैरिकेचरिंग फोर्टी थ्री स्ट्रेची शेप्ड विच इनसाइट ऑफ द बायोग्राफर्स उसने बायोग्राफर्स की कौन सी इंसाइट को शेप किया था क्रिटिकल इंसाइट को इसके बाद फोर्टी फ़ोर है थ्रू हिज बायोग्राफी स्ट्रेची शोज अस विच साइट ऑफ जनरल गोडॉन जनरल गोडॉन की कौन सी साइट जो है उसने अपनी बायोग्राफी के थ्रू शो की है हमें द एक्सट्रीम इम्पीरियलिस्ट फैक्शन ऑफ द ब्रिटिश गवर्मेंट इसके बाद है फोर्टी फाइव Uh, who said this statement? My notion is to do. Uh, my notion is to do a series of short lives of eminent persons of that kind. It might be entertaining if properly pulled off, but if will take a very long time. Latin strategy number forty six. To whom stretchy wrote, I am beginning a new experiment in the way of short condensed biography of Cardinal Manning, uh, written from a slightly cynical point of view to autoline moral. 47. In his preface, Strachey wrote, Human beings are too important to be treated as mere symptoms of the past. They have a value which is independent of any temporal process, was a manifesto of twentieth-century biographies. 48 his defects as a biographer arose mainly from his limited vision of life uh, number 49 although stretchy bitterly attacked during his lifetime and after but stretchy remains as a phenomenon in english letter may phenomena ke par, uh, hai. letter stretchy ko although usko अपने लाइफ टाइम के दौरान बिटरली अटैक्ट किया जाता किया गया था लेटर स्ट्रैटी के ऊपर उसके बाद नंबर फिफ्टी है स्ट्रेची इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज़ आइरोनिकल एटीट्यूड टूवर्ड्स द सब्जेक्ट ऑफ हिज बायोग्राफिकल स्टडीज दैट्स ऑल फो टूडे दिस इज़ पार्ट वन एंड इन पार्ट टू आई विल डिस्कस विद योर इम्पोर्टेंट एम सी फ्राम हिज़ फोर बायोग्राफीज एम विक्टोरियंस